हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और मैं आज आपके लिए एक नया ऑटोमोटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ मारुति XL6 के वेरिएंट्स के बारे में और उसके अंदर मेरे को डिटेल्स देखने को मिलती है कि हमें दोनों वेरिएंट्स में क्या मिलने वाला है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि जो मारुति XL6 का जेटा और अल्फा वेरिएंट है उसके अंदर में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मारुति XL6 के जेटा वेरिएंट के बारे में, क्योंकि जो जेटा वेरिएंट है वो उसका बेस वेरिएंट है और उसके अंदर हमें सेंट्रल लॉकिंग की देखने को मिलती है और रियर डिफोगर और वॉश पाइप भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। और अब मैं बात करने वाला हूँ मारुति XL6 के एक्सटीरियर प्रोफाइल के बारे में, तो इसके अंदर हमें LED फॉग लैंप, हेडलाइट, टेललाइट और LED DRLs सिस्टम भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। और इसके फ्रंट और रियर में हमें स्केट प्लेट्स भी देखने को मिलेगी और इसके अंदर हमें 15 इंच के ORVMs भी देखने को मिलेंगे। और जो मारुति XL6 है उसके अंदर हमें टर्न इंडिकेटर के साथ विंग मिरर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूँ मारुति XL6 ग्रिल के बारे में, तो ग्रिल के अंदर हमें ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल फीचर्स और सेकेंड रो में हमें कैप्टन सीट और स्लाइडिंग और रिक्लाइन ऑप्शन हमें देखने को मिलेगी। और जो थर्ड सीट है उसके अंदर स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगी। और तीनों रोज में हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने को मिलेगा और फ्रंट और रियर में हमें आरवीएम्स भी देखने को मिलेगा। और हमें बात करने वाला हूँ मारुति XL6 के फीचर्स के बारे में, जिसके अंदर हमें ग्रिल सेफ्टी के साथ पुश बटन स्टार्ट और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जैसे फीचर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर हमें 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और जो स्टेरिंग व्हील है वो हमें माउंटेड कंट्रोल के साथ देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूँ मारुति XL6 के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर हमें ड्यूल फ्रंट एयरबैग, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ISO6 चाइल्ड सीट माउंटेड भी हमें देखने को मिलेगी। और जो मारुति XL6 जेटा वेरिएंट का जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये ओनली फॉर ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही हमें देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूँ मारुति XL6 का जो टॉप एंड वेरिएंट है अल्फा वेरिएंट उसके बारे में, तो इसके अंदर हमें ओनली 3 ही न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा और लेदर सीट्स, लेदर स्टीयरिंग व्हील और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स विद फॉलो विद